चलो ठीक है। सबसे पहले दोस्तों प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, एल्केन की तैयारी। एल्केन को किस किस से तैयार कर सकते हैं? सबसे पहला है एल्केन को तैयार कर सकते हैं एल्कीन से, एल्कीन। अब कैसे तैयार करना है ये देखते हैं। देखो यार एल्कीन क्या होता है, जिसके अंदर डबल बॉन्ड होता है उसे बोलते हैं एल्कीन, जिसके अंदर डबल बॉन्ड होता है उसे बोलते हैं एल्कीन। ये मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन लिया H2, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपका, ठीक है, यहाँ पे दोस्तों मैंने कैटलिस्ट लिया निकल और प्लेटिनम, इसमें से कुछ भी ले सकता हूँ। असल में कैटलिस्ट का रोल क्या होता है, कैटलिस्ट कभी रिएक्शन में कंज्यूम्ड नहीं होता, अपना काम करता है और वापस मिल जाता है आपको। कभी ऐसा नहीं कैटलिस्ट आपने निकल लिया और रिएक्शन खर्च हो गया। अगर आप कैटलिस्ट नहीं लोगे ना तो ये रिएक्शन की शुरुआत ही नहीं होगी, मतलब रिएक्शन संभव ही नहीं होगी। और जो कैटलिस्ट होते हैं ना वो जनरली ऐसा बोला जाता है, जो जनरली बोला जाता है ये जो कैटलिस्ट होते हैं ये डीप लोक के एलिमेंट्स होते हैं। डीप लोक समझते हो, जो बीच में नहीं होता है, SPD, जैसे आपकी पीरियोडिक टेबल ऐसी है। तो यहाँ एस है, ये पी है, ये डी है, ये आपके कैटलिस्ट का ज्यादातर काम करता है। अब जितने भी कैटलिस्ट देखोगे वो डीप लोक एलिमेंट्स होते हैं। अब देखो क्या होगा, ये दो हाइड्रोजन है तो आपको करना कुछ नहीं है, ये दो हाइड्रोजन है तो 2H है, ठीक है, एक एच को इस पे जोड़ दो, एक एच को इस पे जोड़ दो। अगर कार्बन एक एच से नया बॉन्ड बनाएगा तो एक पुराना बॉन्ड तोड़ेगा, ये बॉन्ड टूटेगा। ऐसे ही ये बॉन्ड अगर कार्बन ने तोड़ दिया, अगर कोई एक बॉन्ड तोड़ेगा तो एक बॉन्ड बनाएगा, तो एक एच इस पे चिपक जाएगा, एक एच इस पे चिपक जाएगा। ये 10th क्लास में पढ़ा था। और तो कैसा बनेगा देखा बताओ, अगर ये बॉन्ड टूटा तो डबल की जगह क्या हो गया, सिंगल हो गया। ये चीज क्या है, ये एल्केन है। क्या है, एल्केन। तो एल्केन को तो तैयार कर रहा हूं मैं, ये एल्केन को मैंने तैयार कर लिया, ठीक है। अब कई बार स्कूल में पता क्या बोलते हैं, स्कूल में इसी रिएक्शन को एक स्पेशल टेम्परेचर पे करवा देते हैं, ठीक है। जैसे क्या बता रहा हूँ, अब डबल बॉन्ड में कर रहा है एडिशन, इससे पहले जो मैं बताने वाला हूँ उससे पहले एक चीज बता देता हूँ। जैसे फ्रॉम एल्कीन एंड एल्काइन भी लिख ले, सेम बात है। एल्काइन में बता कितने बॉन्ड है, तीन। अगर डबल बॉन्ड को सिंगल में कन्वर्ट करना था तो तुमने एक हाइड्रोजन को ऐड करा, बताओ अगर ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल में कन्वर्ट कितने हाइड्रोजन ऐड करूं, दो। लिखने की जरूरत नहीं, H2 लिख दो वो भी काम चल जाएगा। कैटलिस्ट वही है, निकल पीटी, ठीक है, तो पीटी प्लेटिनम और निकल NI का पता है, सुना तो होगा निकल का नाम। मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपने ज्यादा समय भैंसों के साथ व्यतीत नहीं करा, अभिषेक सरवा, ठीक है। देखो अब बता दे, एक एच गया, एक एच इधर गया, ठीक है, ऐसे धुआं से एक एक एच आए। बता एक, पहले एक हाइड्रोजन ऐड होगा तो ट्रिपल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट होगा, डबल, फिर उसी रुकेगी नहीं रिएक्शन। कभी तो सोचो, एकदम से दूसरा एच ऐड होगा, दूसरा एच ऐड होगा तो दूसरा ऐड होगा तो यहाँ पे वो वही सिंगल में कन्वर्ट होता है। कुल मिला के देख क्या बात है, कुल मिला के देखो, एक एच यहाँ से जुड़ा, एक एच मान लो यहाँ से जुड़ गया, तो एक तरीके से क्या है, क्या है CH3 है, क्या है CH3 और CH3, ये भी क्या है एल्केन। कौन सा एल्केन, दो कार्बन के एल्केन का नाम क्या होता है राहुल, दो कार्बन के एल्केन का नाम क्या होता है, प्रोपेन या बुटेन, एक मीथेन और ले ले, एक नन ऑफ द, एक नन ऑफ दिस, अरे कुछ भी बोल दे। जैसे वर्ड रूट क्या होता है दो का, ईथ या मीथ, ईथ तो क्या होगा, इथेन होगा, ठीक है, इथेन हो गया। अब ये तो आ गया ना, क्लियर है। तो बताओ डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करा, ट्रिपल बॉन्ड भी, ये H2 का एडिशन होता है तो एल्किन और एल्काइन से बना लिया। अब देखो पता है बोर्ड में पूछ लेते हैं कई बार पूछ लेते हैं, ये आपका ये जो रिएक्शन है ये एक रिएक्शन नाम दे देते हैं, सेबिटियर, सेबिटियर एंड सेंडेंस। आप याद तो कर लोगे ना सब, ये इतने शॉर्ट टाइम में रिडक्शन, ये रिडक्शन क्या है, सेबिटियर एंड सेंडेंस रिडक्शन क्या है। अगर मैं इसी एडिशन को ना, जो एडिशन मैंने करवाया, अगर मैं इसी एडिशन को मैं 573 केल्विन पे करवा दूं ना, सेम कैटलिस्ट सब कुछ सेम है, 523 पे करा दूं, तो इसी रिएक्शन को बोलते हैं सेबिटियर एंड सेंडेंस रिडक्शन, ठीक है। लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ, जो पूछी जाएगी ना चीज वही है, एल्कीन से ये H2 निकल पीटी, ये रेयर चांस है, मतलब आज तो बहुत ही कम बार होता है जो पूछी गई है, ठीक है। अच्छा बस अगला पेज, तो अगला मेथड,
अगला है वुड रिएक्शन, अगली प्रिपेशन है, ये प्रिपेशन है ना, ये उससे तैयार करेंगे। देखो वुड रिएक्शन तैयार करते हैं हम इसको फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। अच्छा बताओ अभी हमने एल्केन को किससे तैयार करा थोड़ी देर पहले, एल्किन हैलाइड, वेरी गुड। अब एल्काइल हैलाइड से तैयार करेंगे, कैसे बता देते, ये एल्काइल हैलाइड है ठीक है, यहाँ पे मैंने ले लिया सोडियम है मेरा कैटलिस्ट, सोलवेंट मैंने ले लिया ड्राई इथर, हमेशा रिएजेंट एरो के ऊपर होता है और एरो के नीचे का होता है सोलवेंट, जैसे पानी सोलवेंट है, पानी एरो के ऊपर आएगा नीचे, नीचे ऊपर आपका जो रिएजेंट है वो जो आपकी रिएक्शन देगा। देखो बात सुनो ध्यान से, आर एल्काइल है, एल्काइल हैलाइड नहीं होता है सिंपल, ऐसे नहीं आप समझोगे, थोड़े से हर तरह के स्टूडेंट है इधर, थोड़ा सा एक सेकंड रुकिए, हर वर्ग के छात्र है तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे आपको ना ये ले लो भाई, ये तो समझ में आ जाएगा इथाइल क्लोराइड, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, मुझे पता लग गया था। देखो कोई भी तीन कार्बन दो कार्बन वैसे ले लिया मैंने, देख एक बात, सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एल्कली मेटल किसको प्यार करता है, NaCl, NaCl को भगा के ले जाएगा, अगर NaCl को ये भगा के ले गया तो समझाने के लिए बता रहा हूँ क्या हुआ, इसका तो ये बॉन्ड टूट गया और यहाँ से क्या बन गया, NaCl, NaCl बन गया। अब एक डंडा है ठीक है यार, एक डंडे का इसका क्या करूं मैं, कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता, कभी आपने देखा है कोई रिएक्शन में एल्काइल बन गया, नहीं बनता, इसका मतलब इसका एक डंडे से कुछ भी नहीं होना, कुछ तो दूसरी चीज है। अच्छा बताओ जब रिएक्शन हो रही है, जब रिएक्शन हो रही है तो मुझे बताओ क्या इसका एक ही मॉलिक्यूल है, नहीं हजारों मॉलिक्यूल है, अरे जब कंटेनर में रिएक्शन होते हैं तो इसके हजारों मॉलिक्यूल है, हजारों मॉलिक्यूल है तो मैं दो मॉलिक्यूल तो पक्का है ही है, अरे दो मॉलिक्यूल ले लो आप एक बार समझिए ठीक है। अच्छा बताओ क्या ये एक ही सोडियम है, क्या हजारों है, हजारों, तो एक एन ए इसको भगा के ले गया, मान लो एक इसको भगा के ले गया, कोई दूसरा एन ए आया तो क्या इसका डंडा बना, इसका डंडा बना, इसका एक बॉन्ड टूटा है इस कार्बन का तो ये एक बॉन्ड बनाना चाहता है, इस कार्बन का भी एक बॉन्ड टूटा है ये भी एक बॉन्ड बनाना चाहता है, तो बताओ ऐसा नहीं महसूस हो रहा है, ये भी दुखी तो आपस में क्या बना लेंगे बॉन्ड, और जब आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो ध्यान से देखो आपस में जब बॉन्ड बनाएंगे एक सी एस थ्री सी एस टू यहाँ से आया और एक सी एस टू सी एस थ्री यहाँ से आया ठीक है, ये क्या बन गया, ये क्या है, ये एल्केन, कितने कार्बन का, चार, और ये कितने कार्बन का हैलाइड था, दो, दो कार्बन के हैलाइड से चार कार्बन का एल्केन बन गया, अगर ये तीन कार्बन का होता तो ये कितने का होता, छह, अगर ये चार का तो आठ, ऐसे ना, अगर कार्बन के नंबर क्या हो रहे हैं, डबल, कार्बन के नंबर डबल हो रहे हैं। अब भाई ऐसा है, चलो हो गया, अच्छा RCl होता तो क्या बनता, RR, अगर मैं RCl इधर ले लेता, सेम रिएजेंट रखता, ड्राई इथर ही रखता, तो यहाँ RR बनता भाई और NaCl, इसमें कोई आपको डाउट नहीं आना चाहिए ठीक है। अच्छा एक बात बताऊ, एक ट्रिक है इसको याद करने की, थोड़ा सा लिखता हूँ, देखो वुड रिएक्शन अभी आपको समझ में आएगा, इधर आपको फिटिंग और बता दूंगा ना, तो फिटिंग के बाद इसकी अभी ट्रिक मैं लिख देता हूँ, व्रत ना रखो, व्रत अभी बताऊंगा इसको, इस शब्द को याद रखना। अगला है फिटिक रिएक्शन, इधर था RCl, इधर R की जगह लेते हैं फिनाइल सीएल, ध्यान से देखना फिनाइल सीएल। अच्छा इधर भी अगर मैं सेम ऐसे फैशन में रिएक्शन कराऊंगा Na, हाँ जी ये इसको फिनाइल बोलते हैं, बेंजीन का जो एल्काइल होता है ना, बेंजीन का जो डंडा होता है, जैसे मीथेन के डंडे को क्या बोलते हैं, मिथाइल, एल्केन के डंडे को एल्काइल, बेंजीन के डंडे को बोलते हैं फिनाइल, फिनाइल, बेंजाइल वो नहीं होता, बेंजाइल एक दूसरी चीज होती है, बेंजाइल ही होता है, ये बेंजाइल है, हाँ साइड वाले इसका, ये डंडा, ये बेंजाइल है, थोड़ा सा इसमें है और बाकी कुछ देखो, ये फिटिक रिएक्शन है। अरे फिटिक रिएक्शन बताओ, एनए ड्राई इथर जो भी है, अब मुझे सिंपल से बताइए, यहाँ पे वही केस होगा, NaCl को ले गया, अरे यार एक सेकंड, अगर NaCl को ले गया, अगर NaCl को ले गया तो क्या बना NaCl, लेकिन ये कहाँ जाएगा, ये तो मर गया, इसका एक बॉन्ड टूटा है, क्या इसके हजारों मॉलिक्यूल है, एक है हजारों, तो इसका कोई दो मॉलिक्यूल अगर आपने ले लिए
और इसके भी हजारों, तो एन ने इसको भी ले जाएगा, इसको भी ले जाएगा, यहाँ पे भी डंडा बना, यहाँ पे डंडा, इसके साथ बुरा, इसके साथ बुरा, आपस में क्या बनाएंगे, बोन्ड, बोन्ड बनाएंगे तो क्या बनेगा, फिनाइल, 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 बिल्कुल, इसको बाई फिनाइल भी बोलते हैं और डाई फिनाइल भी बोलते हैं, मैं लिख देता हूँ बाई फिनाइल, ये क्या हो गया बाई फिनाइल, क्लियर। अच्छा NaCl, एक चीज बताइए आप, देखिए देखो अब ट्रिक बताता हूँ क्या, देखो व्रत ना रखो, जैसे लड़कियां होती है, मैं बना देता हूँ, लड़कियां हर तरह के, जैसे व्रत कौन रखता है, लड़कियां रखती हैं, जैसे उनके कुछ दोस्त होती हैं, जो कुछ होती हैं भगवान में जो विश्वास करते हैं, कुछ होती है कि भाई कुछ लड़कियां बोलती हैं उनको व्रत ना रखो, व्रत ना रखो, ठीक है, तो मैंने कह दिया व्रत ना रखो, वुड्स का मतलब ये व्रत ना रखो, ना का मतलब इसमें कौन सा मेटल यूज हो रहा है, सोडियम, ठीक है। लेकिन अब लड़की क्या बोलती है, लड़की बोलती है कि ऐसा नहीं कि भगवान में श्रद्धा इसलिए व्रत रख रही है, लड़की बोलती है व्रत फिट रहने के लिए रखती हूँ, जैसे क्योंकि अगर व्रत वगैरह रखेंगे तो वेट क्या रहेगा, कम, तो भाई मोटा पंते किसी को पसंद है, तू बता राहुल तुझे क्या लगता है, मतलब तुझे मतलब आपको कैसी लड़कियों को लाइक करते हो आप, जैसे वैसे बता दो राहुल देखो कि पढ़ाई तो मैं देख रहा हूँ अरे वैसे बता दे सोचू भाई मैं चलो यार, चलो चलो यार आउट हो जा रहे हैं, चलो कोई नहीं, व्रत भाई मुझे कुछ नहीं, देखो फिट व्रत भाई पढ़ लो यार, पढ़ाई कर लो यार, तुम डिस्टर्ब कर रहे हो, पता है जूम क्लास में डिस्टर्ब कर रहे हो, मुश्किल से तुम्हारे आईपैड आया हूं रेगो तो अभिषेक थोड़ा थोड़ा तू भी लग देखो भाई सुन, व्रत फिट रहने के लिए देखो वुड्स रिएक्शन फिटिंग रिएक्शन जैसी है, वुड्स रिएक्शन फिटिंग रिएक्शन जैसी है, व्रत मतलब वुड मतलब व्रत, फिटिंग मतलब फिटिंग, बस फर्क इतना है इसमें आर की जगह फे यूज करूंगा, फिटिंग का फे का मतलब फिनाइल, फे का मतलब फिनाइल, ठीक है, दोनों रिएक्शन आता है। और ये व्रत क्यों रखते हैं, ताकि अरमान डबल हो जाए, या ऐसा जैसे पैसा है, पैसा डबल हो जाए, इनकम डबल हो जाए, तो कार्बन के नंबर इसमें क्या हो रहे हैं डबल, फिटिंग में भी क्या हो रहे हैं डबल, तो तुम्हें दो लाइन याद रखनी है, व्रत ना रखो, व्रत फिट रहने के लिए रखते हो, ठीक है, तो व्रत ना रखो, वुड रिएक्शन में सोडियम मेटल है, व्रत इसलिए रखते हैं अरमान डबल हो जाए, तो आरसीएल हो गया तो क्या बनेगा आर आर, और फिटिंग का मतलब व्रत फिट रहने के लिए, मतलब वुड्स और फिट का फिटिंग एक जैसी रिएक्शन है, बस फिटिंग में फै आर की जगह क्या यूज होगा फिनाइल, फिनाइल फिनाइल बन जाएगा बाय फिनाइल। चलो अब तक बिल्कुल सही चल रहा है, वुड्स हो गया फिटिंग हो गया, ये मैं उम्मीद करता हूँ दोनों को समय है। अब है वुड्स फिटिंग आखिरी, और इससे बहुत सवाल आते हैं। अच्छा अगर मैं पीछे जाऊं तो एक चीज आपको बता सकता हूं इधर कि यार एक बात बताओ, ऐसा नहीं लग रहा कि अगर ये दो कार्बन का है, चार कार्बन का है, अगर ये तीन का है, छह का है, भाई क्या इवन नंबर ऑफ कार्बन आपको इससे मिल रहे हैं, इवन नंबर ऑफ मिल रहे, ओड मिल रहे हैं, नहीं ओड नहीं मिल रहे, तो भाई ये भी बोला जाता है कि इट इज द मेथड टू प्रिपेयर द एल्केन कंसिस्ट ऑफ, हाँ दोनों दोनों, इट इज द मेथड यूज्ड टू प्रिपेयर द एल्केन कंसिस्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ कार्बन, सिमेट्रिकल, इवन नंबर ऑफ कार्बन जो होते हैं उसे बोलते हैं सिमेट्रिकल, क्या बोलते हैं, दोनों नाम नहीं आगे तो क्या लगता है, एक रिएक्टेंट ले लो वुड्स का, एक ले लो फिटिक का, वुड्स का रिएक्टेंट क्या होगा आर सी एल, अच्छा इसका क्या लगा फिनाइल सी एल, इसकी रिएक्शन किसके साथ कराऊं, सेम वही एन ए ड्राई था, अब बताओ एक सिंपल सवाल पूछूंगा पूरे पेज पे ये होगा, एनएस को भगा के लेगा, एक एनएस को लेगा, इधर से क्या बनेगा आर डंडा, इधर से क्या बनेगा फिनाइल डंडा, अकेला है ये भी बॉन्ड बनाना चाहते हैं ये भी, तो इनका आपस में क्या बना दोगे बॉन्ड, तो क्या बन जाएगा आर आर फिनाइल, बिल्कुल, लेकिन ड्राइथर है, ड्राइथर इसलिए लेते हैं क्योंकि सोडियम रिएक्टिव मेटल है, तो हमें ड्राई एटमोसफेयर चाहिए, अगर पानी की एक भी बूंद होगी तो पता है सोडियम में ब्लास्ट हो जाता है, पता बताना, अच्छा बताओ बट ये आर फिनाइल तो बना लिया तुमने, जैसे अगर मिथाइल टोलिन बनाना है, मिथाइल बनी तो क्या करोगे, इसको मिथाइल इसको बनी तो फिक्स है, ठीक है, लेकिन भाई इट इज नॉट अ गुड मेथड, इट इज नॉट गुड मेथड, वुड्स फिटिंग एक अच्छा मेथड नहीं है, क्यों मैं बताता हूँ, एक बात बता, कंटेनर में सिर्फ आरसीएल और इसका एक एक मॉलिक्यूल घूम रहे हैं, नहीं इसके कितने मॉलिक्यूल हैं, हजारों, इसके भी हजारों, तो अगर इसका कोई दूसरा मॉलिक्यूल आरसीएल आएगा तो ये भी तो संभावना है, एनए ने इसका सीएल भगाया, एक एनए ने इसका सीएल भगाया, तो आर डंडा बना, तो उन्होंने आर आर ने क्या बना लिया बॉन्ड, तो आर आर भी बन सकता है, बनने की तो संभावना है,
अच्छा ऐसे फिनाइल सीएल भी हजारों हैं, एक ही है हजारों, तो एक दो फिनाइल सीएल आए, फिनाइल फिनाइल भी बन सकता है। तो आपको नहीं लग रहा आपका उद्देश्य था ये तैयार करना, हमारा मेन था एम ये तैयार करना, ठीक है, लेकिन इसको तैयार करने के चक्कर में ये भी बन गया, ये बन गया, तो ये हमारे लिए क्या है, इम्प्योरिटी से हमारे लिए क्या है, इम्प्योरिटी। अरे तो गंदगी हमें चाहिए नहीं थी, हमारी रिएक्शन की जो यील्ड है वो क्या हो गई, खराब। हम तो तैयार इसको करना चाहते थे, उसके चक्कर में ये भी बन गया, ये बन गया, इनका कोई मतलब था नहीं, ठीक है। तो इसकी अच्छा मेथड क्यों नहीं है, क्योंकि मिक्स्ड प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, जो हमें चाहिए था वो नहीं बन रहा, उसके साथ में गंदगी बन रही है। आर आर से मुझे क्या मतलब, मुझे तो आर फिनाइल तैयार करना था, लेकिन ऐसा वुड रिएक्शन में नहीं है, वुड जगह लेंगे उसमें तो आर आर तैयार करना है तो आर आर बनेगा, कुछ गंदगी बन रही है ऑर्गेनिक वाली नहीं, तो इसमें मिक्स्ड प्रोडक्ट्स, बिकॉज मिक्स्ड प्रोडक्ट्स आर, अच्छा ये तो क्रॉस है, और ये क्या है, एक सेम सेल्फ, ठीक है सेल्फ, ये भी सेल्फ का है, ये क्रॉस है, नहीं वो तो कहने की बात है, मतलब वुड फिटिक रिएक्शन है, वुड फिटिक के साइड प्रोडक्ट है, क्या है साइड प्रोडक्ट, ये क्या मेन प्रोडक्ट, हमेशा क्रॉस मेजर होता है ये, 70% को तो दोनों मिला के 30 होंगे, लेकिन भाई हमें तो 100% चाहिए था, ये तो प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं हुई ना, तो कुछ भी हो, ठीक है। अच्छा देखो अब कोरी हाउस रिडक्शन में सिर्फ एक पॉइंट याद रखो, कोरी हाउस चला उधर कैसे चल रही है, दिखाओ वीडियो उसमें, मतलब बोर्ड पर बिल्कुल सेम, चलो ठीक है ओके, राइटिंग तो अच्छी आ रही है। चलो कोरी देखो, एक एक याद है गिलमैन्स रिएजेंट, जैसे एक रिएजेंट है, ध्यान से देखना, ये रिएजेंट है, ठीक है आर्टिफ्यूएल है, इसको तैयार वायर करना नहीं आएगा मान के चलिए। अब देखो इसकी रिएक्शन मैंने कराई आर एक्स के साथ, ठीक है इसकी रिएक्शन कराई आर एक्स के साथ, अच्छा अरे वो कर देंगे, देखो ये क्या है सी प्लस लिथियम प्लस जो भी है। अच्छा एक बात बताओ, सिंपल सी बात पूछूंगा कि यहाँ पे इस पे पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, लेकिन आपको पता है कार्बन पे पूरे जीवन में कार्बन पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज देखा आपने, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, लेकिन कार्बन की टक्कर, अगर कार्बन की टक्कर मेटल से हो जाए तो मेटल क्या होगा इलेक्ट्रो पॉजिटिव, तो मेटल के रिस्पेक्ट में कार्बन क्या होगा इलेक्ट्रो नेगेटिव, तो कार्बन पे कैसे चल जाएगा नेगेटिव, यहाँ यही हुआ, कॉपर क्या है लक्ष्य, कॉपर क्या है मेटल, मेटल की इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ज्यादा है कम है या आर की मिथाइल की, इलेक्ट्रो नेगेटिव कौन इलेक्ट्रो पॉजिटिव है मेटल, तो मेटल की इलेक्ट्रो नेगेटिव क्या है कम, तो भाई इस पे नेगेटिव चार्ज, पहली बार देख रहे हो कार्बन पे कैसे चल रहा है नेगेटिव, ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं ऑर्गेनो मेटलिक कंपाउंड, मतलब ऐसे कौन घुस गया है मेटल के, आर पॉजिटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव लोग कर रहा है, तो ये आर इस आर पे अटैक कर देगा। अब ये आर तो मैंने बनाया रेड, और जो तुम्हारा कोरी हाउस से यहाँ आ रहा है वो कैसे बनाया ब्लू, तो क्या बनेगा आर, ये भी आर आर को तैयार करने का मेथड है, इसको बोलते हैं गिबन्स रिएजेंट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, मैं फिर कह रहा हूँ, हाँ मैं कह रहा हूँ वुड रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, और मुझे वो लिस्ट दिखा देना, वो जो क्वेश्चन दिखा देना, चलते रहो बाकी अभी पढ़ो फिर देखते हैं, उनको कर लेंगे आधे घंटे में, उनको बाद में पहले ये पढ़ लो, वुड रिएक्शन होगी सेंटरसन होगी, वुड रिएक्शन होगी फिटिक होगी, वुड फिटिक होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्ड रिडक्शन इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इन दिस वर्ल्ड, चिराग आर यू अग्री, चलो माय इंग्लिश इज क्वाइट गुड, आई डोंट स्पीक इंग्लिश इन सोनीपत बिकॉज़ आई नो यार पीपल आर नॉट सो दिस, चलो मैं पूछ रहा था भाई क्वेश्चन था, वो कुछ ना कुछ बता यार इधर यही तो है ऑनलाइन और कुछ कर नहीं सकते, चलो चलो
कदे चिराग तेरे पे ना भूल जा और सारे भूल जाए। चलो पढ़ लो यार। हाँ हाँ एल्काइन हाइड क्या? अब अगला सुन लो, मेथड है बट वो जो इम्पोर्टेंट है ना, मैं लास्ट में जाता हूँ दोबारा से और आपको बताता हूँ क्या क्या इम्पोर्टेंट है। ये स्टार मार्क है ना, मैं क्या करता हूँ यहाँ से इसको स्टार मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। इसके आगे रुको, इसको स्टार मार्क कर दिया मैंने, जो स्टार मार्क कर दिया वो जरूर करनी आपको, और आपसे हो ना हो मुझे नहीं पता, ठीक है। एक मैं इसको स्टार मार्क करता हूँ, ठीक है। और जो नहीं है, जो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं इतना मतलब इस पे नहीं दे रहा, मतलब इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको क्रॉस कर रहा हूँ, ठीक है, उसको छोड़ सकते हो आप, ठीक है। अच्छा बात की, अब है अगला मेथड है क्रोम हैलाइड से। एक और मेथड है हैलाइड से, एक मेथड बूट डिटेक्शन तुमने सीख लिया। एक और मेथड है, क्या बोलता है कि आरएक्स लो, ठीक है, एक जिंक प्लस एचसीएल है। ध्यान से सुनना, जिंक प्लस एचसीएल दोस्तों, जिंक प्लस एचसीएल का मिक्सचर इज रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो एच माइनस देता है। क्या देता है? एच माइनस। जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? जो क्या देगा? ऑक्सीजन। जिंक प्लस एचसीएल का मिक्सचर रिड्यूसिंग एजेंट, तो क्या देगा? एच माइनस। यहाँ पे आर पॉजिटिव आर नेगेटिव, ये समझ में आता है? हैलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज, इसका आर पॉजिटिव। नेगेटिव किसको लव करेगा? राहुल पॉजिटिव को अटैक करेगा, एक आएगा दूसरा जाएगा, तो एक्स की जगह क्या जुड़ जाएगा? एच। ये क्या बन गया? एल्केन। क्या बन गया? एल्केन। खत्म, ठीक है। ये अब नहीं लिख रखी तो ये इंपॉर्टेंट नहीं बोलूंगा, लेकिन ठीक है ना। नेम, हर रिएक्शन का नाम नहीं होता, सबकी सब नेम रिएक्शन नहीं होती आपके सिलेबस में, अब 30-40 रिएक्शंस ही नेम रिएक्शंस होती है और सबका नाम नहीं। अगला, ये दोनों इंपॉर्टेंट, कोल्बिस इलेक्ट्रोलाइसिस, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, एक नंबर पक्का आता है 100%, ठीक है। सबसे पहले चलते हैं ये आपका फ्रोम मैं लिख रहा हूं, फ्रोम एसिड का सोडियम वाला सोल्ट, इससे बनाना है हमें, फ्रोम एसिड का सोडियम वाला सोल्ट। सबसे पहले पढ़ रहे हैं सोडा लाइम डीकार्बोक्सीलेशन। ध्यान से सुनना भाई, एक एक चीज बताऊंगा इसमें, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये स्किप नहीं कर सकते हम। मैंने एक क्या लिया, मैंने एक बड़ा सा कंपाउंड ले लिया, ध्यान से देखिए। ये मैंने देखो, ये एसिड होता है, ध्यान से देखो, ये एसिड होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊं, अब मैं कर दूंगा बेस से, तो क्या बनेगा? सोल्ट। सोल्ट बनाने के लिए एच की जगह मैं क्या यूज कर लूंगा? सोडियम। एच की जगह क्या लिख दूं बताओ? सोडियम। बस ये बना लिया। आपकी रिएक्शन इससे तैयार करते हैं, जो भी करते हैं शुरू में ये लेते हैं, ठीक है। अब देखो भाई, एक तो लो बेस NaOH, ठीक है, और एक लो सोडा लाइम, ठीक है। अभी बताओ, जो भी है, चलो ये सोडा लाइम इसको बोल दिया, इन दोनों के मिक्सचर को सोडा लाइम बोल देते हैं। ये बताओ, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, सुना है NaOH, CaO कैसा है? वीक बेस, क्योंकि मेटल के ऑक्साइड्स आर आल्सो बेसिक इन नेचर, बट दे आर वीक बेस, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, तो बताइए किसको ज्यादा लूं ताकि बेसिक नेचर दिखे स्ट्रॉन्ग वाले को? तो इसको 3:1 में लेते हैं, ये भी सवाल आता है बहुत बार, ठीक है। इसको 3, इसको 1, 3:1 हो गया, तो कितने परसेंट हो गया राहुल NaOH 100 में से? 75, 100 में से परसेंट निकलेगा ना, आपने 40% थोड़ी हुआ है, 100 में से हुआ। चलो आगे चलते हैं, हीट भी करना, टेंशन ले तू, अभी पूरे हाइड्रोकार्बन में पूरे नंबर आएंगे, चाहे तुझे 3 और 1 भी आना रहे, क्योंकि ये जो मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ ना, बस वो कर लेना आप ध्यान से, ठीक है, पास आराम से हो जाएंगे। वरना यार मुझे खुद दर्द होगा कि आप 12th में नहीं आ रहे मेरे पास, मुझे खुद होगा कि तुम में से अगर कोई परेशान था, आप फेल हो जाते हो, ठीक है। और चिराग ध्यान दे, तू पेपर देने चले जाइए, उठ लियो यूने की अपना जोड़ पे, वहां टाइम स्पेंड कर, बस इतना ध्यान रख के, कभी दोनों भाई लागे रहो, मतलब अपना बीड़ी पी अरे बीड़ी पी यार। चल भाई, मैं ना तुम्हें कहूंगा, नशे नशीले पदार्थों का सेवन इस उम्र में छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ जीवन भर मत करो, कभी तरक्की नहीं मिलेगी। तुम नशे के हाथ में लगाओ, ईमानदारी से काम करो, नींद का त्याग करो, खाने का त्याग करके पढ़ाई करो, कर्मों पे चलो, भविष्य तुम्हारा बना पड़ा है भाई। लक्ष्य देखो देखो भाई, CH3CH2 सी डबल बॉन्ड ONA, ठीक है। अच्छा बात बताओ मुझे, सिंपल सी बात बताओ,
यार एनए के मन में एक चीज आई कि क्यों ना एनए टू सीओ थ्री बनाते हैं, ठीक है, कैसे बनाएगा? एक एनए, दो एनए, एनए तो हो गए, एक कार्बन, कितने हो चाहिए? तीन। एक है, नहीं, कितने हो गए? तीन। ये नेटिव सीओ थ्री दिख रहा है। अच्छा, एक एच के साथ बुरा हुआ, एक कार्बन के साथ बुरा हुआ, तो कार्बन और एच क्या बनाएंगे? बॉन्ड, ठीक है। ये क्या बन गया? इथेन। क्या बन गया? इथेन। इथेन ही तो उसको एल्केन या एल्कीन, एल्केन। तो भाई एल्केन की तैयारी पढ़ रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। अब बता, इसका नाम बी कार्बोक्सिलेशन टू रखा गया। कार्बोक्सी ग्रुप क्या है? यही तो कार्बोक्सी ग्रुप है, यही तो कार्बोक्सी ग्रुप है, कार्बोक्सिक एसिड वाला। डी मतलब निकलना, इसका निकलना। देखो तुमने इसको निकाल दिया, निकल तो गया, निकल के क्या बना लिया इसने? Na2CO3। और बचा इसके साथ पूरा, ये एल्केन बन गया। तो भाई तुमने क्या करा, सोडियम के सोर्स से एल्केन बना लिया। लेकिन एक बात का ध्यान रखे, इधर कितने कार्बन थे? तीन, एक दो तीन। इधर कितने हैं? दो। अगर इधर चार होते तो अभिषेक, इधर कितने होते? तीन। अगर इधर छह होते, इधर कितने होते? पांच। तो एक कट रहा है। तो भाई कार्बन, कार्बन के नंबर डिक्रीज हो रहे हैं, कितने से? एक से। कितने से? एक से। अगर इधर दस होंगे तो नो नो। तो कभी भी कार्बन के नंबर्स कम करने हैं तो याद करना डी कार्बोक्सीलेशन। लेकिन सोडा लाइम यूज हो रहा है तो इसका नाम क्या होगा रिएक्शन का? सोडा लाइम डी कार्बोक्सीलेशन। तो इसमें क्या कर रहा है? सोडियम का सोल्ट बनाया। सबसे पहले सोडियम के सोल्ट को हमने सोडा लाइम से रिएक्ट कराया 3-1 लेके। उससे क्या हुआ है, वहां से CO2 निकल के Na2CO3 बन गया और यहाँ से एल्केन बन गया, खत्म। ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, देख लेना। इससे भी इंपॉर्टेंट जो सार्थक लिख के लाया है, जो कोलबिस इलेक्ट्रोलाइसिस, इससे भी इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। कोलबिस, अगर चिराग आपको ये चाहिए कि येलो में ना लिखूं, ब्लू में लिखूं, ब्लू आपका फेवरेट कलर है, तो वो भी हो जाएगा इधर। अगर आपको लगता है भैंस काले रंग की अच्छी लगती है आपको, काला भी, मतलब सब होगा चिराग, जो आप चाहोगे वैसे आपको पढ़ाया जाएगा। देखो कोलबिस इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक। अच्छा, R C डबल बॉन्ड O Na, तो तुमने बता R H बन गया, ठीक है ना भाई। ये देख लो ध्यान से, देखो वही चीज ली है मैंने, बिल्कुल सिमिलर सी, बिल्कुल सेम चीज ली है। इसका मैकेनिज्म बताऊंगा, मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट हुआ ना हो मुझे नहीं पता, लेकिन पूरी बताऊंगा रिएक्शन। देखो ये हुआ भाई इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है बिजली का झटका देना पानी में डाल के, पानी में डाल के क्या देना? बिजली का झटका। तो इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दी। ठीक है, अच्छा बताओ इलेक्ट्रोलाइसिस बिजली का झटका है, जो भी है पानी में डाल के करना है। दोस्तों यहाँ पहली बात बता दूं, आर आर बनता है, इसके दो मॉलिक्यूल लेता हूँ, यहाँ आर आर बनता है, ठीक है, आर आर बनता है, और साथ में यहाँ NaOH। पढ़ लो भाई, फिर पेपर में रोते आओगे नहीं 8 तारीख में, फिर जो बोल रहे हो वही होगा। तो देख लो भाई, देखो पता है क्या भाई, इसका एक मैकेनिज्म है। बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, बता रहा हूँ भाई, मैकेनिज्म देख लो। देखो भाई ऐसा है, यहाँ पे ना अगर मैं इसको एग्जांपल के तौर पर ले लेता हूँ, CH3, R को मिथाइल ले लेता हूँ। देखो भाई मैकेनिज्म देख ले, सबसे पहले इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस कराई, बिजली का झटका दिया, यहाँ पे एक एनायन बना और एक कैटायन बना, ठीक है। अब मैंने पानी का करवाया, पानी की इलेक्ट्रोलाइसिस कराई, एक एच प्लस और एक ओ एच माइनस, ठीक है। ध्यान से देखना भाई, इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद, झटका देने के बाद चीजें टूटती हैं, कैटायन आयन में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो एच टू का ये एच प्लस, अब आगे देख, अच्छा एच तो पढ़ाई भी ध्यान दे, मैं इनकी मत सुन, ठीक है, ये डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं आप। कैथोड में बता, रिडक्शन होता है ऑक्सीडेशन, रोना नहीं है पहले तक, ठीक है। राहुल एनोड पे कैथोड, अरे कोई ना भाई, क्या हो गया? मैं सोचा देखन जावा कि ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन, रिडक्शन एनोड पे रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, पता है तुम्हें? अरे एनोड पे इलेक्ट्रोलाइसिस में, अरे क्या बात होगी तुम्हारे, क्या हो गया ऐसा? रिडक्शन, अरे एनोड कैथोड पे रिडक्शन, अरे रिडक्शन वाला गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो है तो दो बनेंगे,
दो एच प्लस को पकड़ा और दो इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन बन गई, क्या कैथोड पे क्या बन गई, हाइड्रोजन, ठीक है। अब अगला देखो, एनोड पे पकड़ा इसको, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, एनोड पे पकड़ा इसको सी एच थ्री सी ओ नेगेटिव, ठीक। अच्छा ये बताओ इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, पहली बात तो ये एक नहीं दो मॉलिक्यूल बने, इधर दो हैं तो इधर भी दो बने। अच्छा इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, चल पता, इस नेगेटिव चार्ज में दो इलेक्ट्रॉन है, कितने दो, और ऐसे ऐसे कितने हैं दो, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है चार। भाई अगर रिडक्शन में दो इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं तो ऑक्सीडेशन में कितने इलेक्ट्रॉन खोए जाएंगे, दो, दो इलेक्ट्रॉन खोए जाएंगे। अब बता दो इलेक्ट्रॉन खोने का तरीका क्या है, ऐसे ऐसे दो मॉलिक्यूल है, एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दो, एक जो इसके नीचे वैसे का वैसा उसमें से निकाल दो, तो क्या बनेगा, ये क्या बन जाएगा, ये बिंदु नहीं बन जाएगा, लगेगा फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल क्या, कितने बनेंगे ऐसे ऐसे दो, कितने बनेंगे दो। और आपको बता दो बिंदु ऑक्सीजन पे अनस्टेबल होता है, क्या होता है अनस्टेबल, तो ये चीज बाहर निकल जाएगी CO2 के फॉर्म में, किसी फॉर्म में निकल जाएगी CO2, तो ये वाला बिंदु बचेगा, ये वाला बिंदु बचेगा, कितने मिथाइल के बिंदु बचेंगे दो, एक मिथाइल का बिंदु दूसरे मिथाइल के बिंदु से जुड़ के क्या बना लेगा, मिथाइल मिथाइल, फाइन समझा, क्या बोलता हूँ, दो इलेक्ट्रॉन गेन करें तो कितने इलेक्ट्रॉन खो जाएंगे दो, एक किससे नहीं, ये मैकेनिज्म पूछा जाए, वरना ये लिखना है इसके एक नंबर है, अगर ये पूरा मैकेनिज्म है, पूरा का पूरा मैकेनिज्म है, हुआ कैसे है, सिर्फ आपको ये लिखना है इसके नंबर है जितना तक मुझे, अगर मैकेनिज्म पूछा जाए जब लिखना है, वरना इसके नंबर है। देखो ये हुआ एक इलेक्ट्रॉन का ये बिंदु स्टेबल है, CO2 निकल जाएगा, मिथाइल बिंदु मिथाइल मिथाइल बिंदु आपस में जुड़ जाएंगे, क्या बनेंगे मिथाइल मिथाइल, ये क्या इथेन, क्या इथेन, यही तो बना है तुम्हें ना, आर सी डबल बॉन्ड ओ एन ए, बस इतना याद रखे, अगर सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन करा रहे हो तो आर एच बना था, क्या बनता है आर एच, लेकिन अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हो तो क्या बनेगा आर आर, ऐसा सोचो इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो दो चीज होती है एनोड और कैथोड, तो इधर भी कितने आर होंगे दो ऐसे, ठीक है याद रहेगा थोड़ा सा, बाकी ये रिएक्शन लिख लें इसके नंबर है, ये स्टार मार्क कर देता हूँ मैं रेड से, जैसे मैंने दूसरे से, और जो इंपॉर्टेंट नहीं होगी इस पे क्रॉस मार दूंगा, क्लियर दोबारा से देख लेना, और एक कार्बोक्सिलेशन कोर्बिस इलेक्ट्रोलाइसिस वुड्स फिटिक और वुड्स फिटिक और एक पहला हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्किन एल्केन, ये कोई छोड़ के नहीं जाएगा, अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस खत्म। अब आगे रिएक्शन ऑफ एल्केन, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन खत्म हो चुके एक तरीके से, तो तैयार हो रिएक्शन ऑफ एल्केन के लिए, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सारा करा दूंगा जो सार तक लिख के लाया, ठीक है, एल्केन एल्केन एल्केन। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं ज्यादा ना डिटेल में इसको मैकेनिज्म को चुन, देखो ये मिथेन है, सनलाइट, अच्छा सनलाइट ना, सनलाइट में हीट है, सनलाइट एक तरह के हीट, हीट के कारण सीएल सीएल की लड़ाई हो जाएगी और सीएल बिंदु बन जाएगा, ठीक है, दो सीएल बिंदु बन गए, इसके पास कहता है जैसे ऐसा दो भाई दोनों पे 2 करोड़ रुपए बंटवारा हो गया, 1 करोड़ इसको मिल गया, 1 करोड़ इसको मिल गया, तो अब ये बिजनेस कोई करना चाहता है 2 करोड़ में होगा, तो ये 1 करोड़ लेके किसी और के पास जाएगा, एच के पास, कि भाई ऐसा कर यहाँ से बॉन्ड तोड़ और एक इलेक्ट्रॉन लेके मेरे पास आ जाए, 1 करोड़ मेरे पास है, 1 करोड़ तो लिया, तो ये एच इसकी भकाई में भी आ जाएगा, तो ये एच बिंदु बना लेगा, इसका ही बिंदु बन जाएगा, समझ आ रहा है। अब ये एच बिंदु और एच सी एल क्या बना लेंगे, सी एल बिंदु एच सी एल, लेकिन ये बिंदु ये भी किसी की तलाश कर रहा है, अब इसको भी धोखा मिला है, इसको भी कहीं ना कहीं से धोखा मिला था, तो आपस में क्या बनाएंगे बॉन्ड, तो तुम्हें कैसा नजर आएगा, तुम्हें कैसा नजर आएगा ना कि एक एच की जगह क्या जुड़ गया सी एल, एक एच की जगह क्या जुड़ गया सी एल, क्लियर है, याद रख, इसको दोस्तों बोलते हैं हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, इसको क्या बोलते हैं, पहला पार्ट है ये हेलोजिनेशन ऑफ, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, बताओ समझ में, अरे एक आएगा, एक एच को रिप्लेस कर देगा, इतना काम है, ठीक है, लेकिन एक अच्छा सवाल मैं कराता हूँ, बताओ समझ नहीं आ रहा तो बता दो, नहीं करना, यहाँ सी एल बिंदु आएगा, यहाँ से कार्बन का बिंदु बनेगा, कार्बन का बिंदु और सी एल का बिंदु जुड़ जाएंगे, मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा, बस यही है, समझ में। अच्छा इधर बताओ क्या हुआ, बताओ अभिषेक आप बताओ, क्योंकि आप क्लास के टॉपर हो, पीछे से ले बता, ले भाई इधर बता दो,
भाई मुझे बता दे इधर किस का, देखो एक कार्बन का बिंदु बनता है तो यहाँ से कार्बन का बिंदु बनाओ, एक बी आर यहाँ जोड़ दो, एक तरीके से जोड़ दो। एक बार थोड़ा ना थोड़ा ये करता हूँ ताकि तुम्हें ना थोड़ी अभिषेक देखो आपको फील लेनी बहुत जरूरी है सब्जेक्ट की, नंबर आ जाए सूत्र से 35-70 में। देख बी आर बिंदु बना, बी आर बिंदु बना, ये सी के साथ देख बात खत्म। कार्बन का बिंदु यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु क्या होने वाले बिंदु है, लेकिन बीच वाला बिंदु अलग बनेगा। मतलब कहने का मतलब देखो, एक कार्बन का ये वाला बिंदु बनेगा, एक कार्बन का ये वाला बिंदु बनेगा। अगर ये बी आर और ये जुड़ते हैं तो तुम्हें कुछ ऐसा नजर आएगा, कोने वाला बी आर, समझ आ रहा है, और एक आएगा बीच वाला बी आर, ठीक है। अब मतलब कौन ज्यादा कौन कम भाई, दो बन गए इधर तो, और एच बी आर तो बनना ही है, एच बी आर के ले लो भाई, तुम्हारा एच बी आर ले लो, दोनों बनेंगे, लेकिन कौन मेजर होगा कौन माइनर, सवाल है कौन ज्यादा कौन कम। अच्छा देखो बिल्कुल वेरी गुड, बिंदु की स्टेबिलिटी देखेंगे, बिंदु जितना ज्यादा स्टेबल होगा अच्छे से प्रोडक्ट बनेगा। जो कार्बो के टाइम की स्टेबिलिटी का ऑर्डर था वही बिंदु की स्टेबिलिटी का ऑर्डर था। कार्बो के टाइम की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या करवाया, 3 डिग्री बेंजाइलिक भी आता है, फिर 2 डिग्री 1 डिग्री और फिर वो विनाइलिक है, पढ़ा नहीं है तुमने लेक्चर देखे जिसने देखा जीओसी कर भाई याद है, हाँ वो सवा घंटे का जीओसी है ऐसे ही है भाई। अरे मैं यही तो है कि एक छोटे होते हैं तो टाइम खींच जाता है क्लास में, बताओ यही बिंदु का ऑर्डर है, यही फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, और यही भाई साहब कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। अब बताओ फ्री रेडिकल, बताओ ये वाला बिंदु कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, दो, कौन सी डिग्री का है, 2 डिग्री, ये वाला बिंदु एक 1 डिग्री, कौन सा बिंदु स्टेबल, 2 डिग्री, इसका मतलब दोस्तों ये मेजर बनेगा, ये क्या बनेगा मेजर, और दूसरा क्या बनेगा माइनर। मेजर का मतलब हिंदी में बता ज्यादा, और माइनर का मतलब, और जब एज कोई बोलता है कोई माइनर है तो इसका मतलब क्या, 18 साल से क्या है का? तुम्हारे बेसिक स्ट्रॉन्ग होने चाहिए बस। अच्छा लेकिन ना ये बात करता हूँ, इधर सुनो, ये जो सब हुआ है ना ये 3 स्टेप का प्रोसेस है, आसान नहीं है जितना तुम्हें लग रहा है, बताता हाँ बताता। क्लोरीनेशन, जैसे हेलोजिनेशन है ना, देख यू तो क्लोरीनेशन तो सुना है, क्लोराइनेशन ये यू कौन सुना रे, ऋषि से नाम ना लाओ, कभी मैं आधा घंटा वही पढ़ाना पड़ता है। ये नया एड हुआ है, रुक जा अभिषेक ये बाद में कर लेंगे, ये मैं आऊंगा उधर जोड़ के उधर साइड में उधर पढ़ लू। अरे नहीं है, अरे क्लोरीनेशन है, देखो सीएल को ऐड कर रहा है तो क्लोरीनेशन, और मेरी बात सुन, अगर ब्रोमीन को ऐड कर रहा है तो ब्रोमिनेशन, बस। अच्छा एक बात आते बस भाई, ये कहने के लिए मैंने बोल दिया, इसका मैकेनिज्म नहीं करवाया, मैं बता भी नहीं रहा लेकिन तुम्हें देख शॉर्ट में बता रहा हूँ इधर मैकेनिज्म कैसे होता है। नहीं, सबसे पहले होता है इनिशिएशन, पता तुम क्या, ये सनलाइट ने सीएल बिंदु नहीं बनाया, ये इनिशिएशन है, क्या है इनिशिएशन। अगला हेल्प मी, वो तो अलग है, नहीं ये नहीं है, ये अलग है, वो तो है कि फ्री रेडिकल कहाँ कहाँ बनते हैं, हीट आ जाए, इलेक्ट्रिसिटी आ जाए, लाइट आ जाए, परोक्साइड आ जाए। अच्छा सीएल बिंदु यहाँ जाके क्या कर रहा है, बिंदु से बिंदु बना रहा है, तो ये बिंदु का फैलना प्रोपेगेशन, ये क्या है प्रोपेगेशन, इनिशिएट का मतलब शुरू करना, ये हिंदी शब्द इंग्लिश का शब्द है, पता होगा मतलब। अच्छा प्रोपेगेशन का मतलब होता है फैलना, एक बिंदु ने आगे भी बिंदु बना दिए, अंत में क्या होगा, फाइनल बिंदु बिंदु से जुड़ गया, टर्मिनेट हो गया, क्या हो गया टर्मिनेशन। भाई ये 3 स्टेप होते हैं, बाकी मैं दिखा नहीं रहा, कमी है हमें, एक तरह से क्विक रीजन है, एल्केन अभी खत्म हो जाएगा, मेन पता क्या, एल्केन और एल्कीन, एल्काइन की जो रिएक्शन एल्कीन वाली है, सेम कोई भी रिएक्शन नहीं है, हो गया। तो बताओ हैलोजिनेशन कराओगे, क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन बढ़िया से, कोई दिक्कत है, जो स्टेबल बिंदु बनाएगा वही क्या बनाएगा मेजर। सर तो कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लिंडलार रिडक्शन,
भाई ये जरूर करूंगा, मैंने पूरा पढ़ा रखा है उसमें, ये बहुत कम है। ओजोन लाइन से वेरी गुड यार, ये भी करवा दे, बहुत इजी है। अब 30, मैंने इसमें 30,000 में बोल दिया था, तो भाई देख मैं झूठे वादे करता नहीं अभिषेक, 30,000 तेरे फिक्स है, तेरे सिर्फ तेरे, अरे 30,000 तो बोल, 3-4 साल बाद आ रहा है ना मेरे साथ स्टार्टअप में। अरे अरे पागल वो बात यार, नौकरी यार एक बात बता, दो महीने में जितनी सैलरी दूंगा तेरे इधर के पूरा खर्चा हो जाएगा, और मैंने किसी और को थोड़ी बोला सर, 3 साल बाद आ जा, 2 साल बाद आ जा, मैं तो कह रहा हूँ पढ़ के बारहवीं पेपर दे के आ जा, फेल हो गए। अटेंशन ले, काम बहुत है, बहुत ज्यादा काम है भाई। भाई एक बार इंडिया में तो नाम कमा दे मामा, तने के यूरोप भेज दूं क्या जे है? नहीं नहीं काम नहीं, 5-6 घंटे, 5-6 घंटे, 5-6 घंटे काम करना। अरे तेरे नीचे ना 3-4 बंदे रखूंगा, तू काम करवाना, तेरे काम मैं सिखा दूंगा, तेरे नीचे मतलब अंडर भाई यार। रवि से इनते दूर रहिए, ये तो 30,000 न ले। अरे 30,000 फर्स्ट ईयर है, अगला साल है। चलो भाई नेट दे। अरे बताइए चलो 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 देखो भाई सीएसटी भाई ये बात हूँ, यहाँ से ना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, पहली बात इसको काटा मार, इन सबको काटा मारना, ये इम्पोर्टेंट नहीं है भाई, आते ही नहीं पेपर में ना पूछे जाते, तो मैं अरे नहीं लिखे भाई, इसमें काटा मार दिया मैंने इसको बिल्कुल कट, लेकिन फिर भी पढ़ा रहा हूँ। देखो जल्दी जल्दी सुन लो, यहाँ से कंसंट्रेटेड HNO3, यहाँ से NO2- बनेगा, क्या बनेगा? NO2-, वो कार्बन पॉजिटिव कॉलम करता है, आएगा जाएगा अटैक करेगा, तो क्या बनेगा? CH3CH2NO2, ये क्या है? नाइट्रो, ये क्या है? एल्केन, नाइट्रो एल्केन, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? पेपर में डेफिनेशन वगैरह ना आती है, रिएक्शंस लिख के उसको एक्सप्लेन करते हैं, मैं बताता हूं जैसे लिख के, जैसे इसको एक्सप्लेन करना है, बताता हूं, ये है देखिए क्वेश्चन किस टाइप में होगा, तुम लोग बताओ, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन बताइए, लिखा नीचे पता क्या लिखा, सोडियम का सोल्ट, सोडियम सोल्ट रिएक्ट्स विद NaOH एंड CO टू फॉर्म एल्केन, यही क्या है? सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ इट, हां लेकिन तुम क्या लिख के आओगे? सोडियम सोल्ट रिएक्ट्स विद NaOH टू फॉर्म एल्केन एंड NO2। अरे ये तुम्हें जो रिएक्शन लिखे उसको इंग्लिश में लिख के आना, और इंग्लिश तुम्हारी वैसे ही बहुत ज्यादा अच्छी है, मैं क्यों अपना जगह काम है, बेंगलोर भी है, हैदराबाद भी है, सब है, जो बाहर छुटे। और एक बात, 30,000 है तेरे प्योर इनकम है, जो रहने का खर्चा होगा ना 20-25,000 वो अपनी तरफ से होगा, मैं बोलूं भाई बहुत दूर रहेगा ये, मैं रहूंगा कन्याकुमारी और ये रहेगा वहां, अरे कंबल नहीं भेजेंगे। चलो आ जाओ बस, पता क्या है एक तरह है ऑक्सीडेशन भाई, कुछ नहीं है। अच्छा मिथेन का, मिथेन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, अरे क्या होता, किसी भी हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो क्या बनेगा? CO2 और H2, ठीक है। अच्छा पाइरोलाइसिस, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से देख लो, पाइरोलाइसिस देखो ये होता है, पाइरोलाइसिस का मतलब होता है हीट करके टुकड़े करने, लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना, लाइसिस का मतलब क्या होता है? तोड़ना, पायरो का मतलब हीट से, हीट से तोड़ना, हीट से तोड़ना, ठीक है क्लियर। मुझे 773 67 ATM भाई इतने ज्यादा टेम्परेचर पे 773 67 ATM पे कोई चीज टूटेगी नहीं, 100% टूट जाएगी, टूटेगी तो कार्बन कार्बन के बॉन्ड भी टूटेंगे,
अब देख भाई ये बात है, सिंपल सी बात, यहाँ से टुकड़े हो गए तो क्या हुआ, इसका एक बड़ा करा तो एक नया बोन नहीं बना लेगा इधर से, और इस कार्बन का एक एक बोन टूटा तो एक बोन यहाँ बना लेगा, तो क्या बनेगा, चार कार्बन का एल्किन बन सकता है और यहाँ से इथिन बन सकता है, बन सकता नहीं, बन सकता, टुकड़े जरूरी थोड़ी यहीं से हो, क्या बोलते टुकड़े यहाँ से हो जाए, यहाँ से हो जाए तो ये टूटेगा कार्बन, यहाँ डबल बोन बनाएगा, ये डबल बोन भी बन सकता है, बनने का तो भाई बहुत कुछ बन सकता है, ठीक है, ऐसे बोलते हैं यहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है, मान लो यहाँ हुआ, यहाँ टुकड़े हो गए, यहाँ से टूट गया कोई, ठीक है, तो यहाँ क्या बनेगा, मिथेन इसका, और इसका क्या बनेगा, पेंटिंग, ये सब बन नहीं सकते हैं, तो पायरोलाइसिस होके एक प्रोडक्ट बनते हैं, ढेर सारे प्रोडक्ट, ढेर सारे, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए पायरोलाइसिस है क्या, हीट की मदद से एल्केन को तोड़ना, इज कॉल्ड पायरोलाइसिस। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है एरोमेटाइजेशन, बेसिकली देखो, और हाँ ये बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है पूरे पेज का, ये फिर भी थोड़ा बहुत अगर करना चाहूँ ना इसको देख सकते हो, हाँ रेफिनेशन नहीं, रिएक्शन भी आ सकती है, ऐसी बात नहीं है, सारे सारे जितने बना सकते हो, दो पांच छह लिख दो, और भी कुछ चांसेस है तोड़ने के, बताओ, यहाँ से कट मारा, यहाँ से कट मारा, यहाँ से कट मारा, यहाँ से कट मारा, यहाँ से बात क्या है, सेम फायदा नहीं है, ठीक है, अब तक तुम्हारे दो राय नंबर पक्के हो गए, अरे एक एल्केन ही तो है, एल्केन में दो हो जाएंगे तुम्हारे, भाई एरोमेटाइजेशन कर लो, नंबर पक्के हैं, ये बहुत संभावना है इसके आने की, देखो बताता हूँ क्या, मैंने छह कार्बन का हेक्सेन लिया, ठीक है, अब बताओ मैंने कहा था कैटलिस्ट कौन से डी ब्लॉक के, कौन से ब्लॉक का एलिमेंट होता है, डी डी के, भाई देखो बता दिया यार, गलती कर दी भाई, तभी तो तुमने बता दिया, CrO2 3 V2, भाई इनमें से कुछ भी ले लो, एमएन का ऑक्साइड ले लो, ठीक है, क्रोमियम का ऑक्साइड, वेनेडियम का ऑक्साइड और मैंगनीज का ऑक्साइड, ठीक है, अब बताओ, चलो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के ऑक्साइड बना लिए, अब पता क्या होगा, ध्यान से देखना एक चीज, ध्यान से देखो भाई, तुम्हें पता रिंग स्टेबल होती है, लेकिन कितने कार्बन वाली सबसे अच्छी होती है, छह, फिर पांच, पांच वाले होते हैं सात वाली, फिर आते हैं चार और फिर होते हैं तीन, हाँ ऐसा होता है, ठीक है, अरे जरूरत नहीं, बस तुम करो, छह और पांच की जो रिंग होती है बहुत ज्यादा स्टेबल होती है, तो बता ऐसा नहीं लग रहा है, यहाँ से इनके बीच में बॉन्ड बन सकता है, अरे अगर ये बॉन्ड बना ले, अगर इमेजिन करो यहाँ बॉन्ड बन जाए तो ये कितने कार्बन की चेन बन जाएगी, छह, छह की चेन बनेगी तो कैसे बनेगी, यही तो बनेगी, बेंजीन नहीं है, साइक्लोहेक्सेन है, क्या साइक्लो, अब बताता हूँ अगले स्टेप में, ये एरोमेटेशन दो स्टेप का है, अब जब बताओ एल्कीन में हाइड्रोजन जोड़ा तो क्या बना एल्केन, अरे यार जब तुमने इसमें हाइड्रोजन जोड़ा तो क्या बना था एल्केन, अगर ये एल्केन है एक तरह से, अगर उसमें से हाइड्रोजन निकाल लो तो क्या बनेगा एल्कीन, चलो भाई मैंने एक हाइड्रोजन निकाल दिया, एक हाइड्रोजन निकाला तो बन गया, एक और निकाला, एक और निकाला तो एक और बन गया, एक और निकालूंगा तो एक और बन जाएगा, कितने हाइड्रोजन निकालने पड़ेंगे, तीन, हाइड्रोजन का एड होना इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन का निकलना इज कॉल्ड डीहाइड्रोजनेशन, तो देख दो स्टेप है एरोमेटाइजेशन के, अब ये क्या बन गया एरोमेटिक कंपाउंड, व्हिच इज मोस्ट स्टेबल कंपाउंड, इसका नाम क्या है बेंजीन, तो क्या ये एक ही स्टेप में बना है, नहीं दो स्टेप में बना है, पहले Cr2, पहले तूने डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का ऑक्साइड यूज करा, क्रोमियम कौन सा ब्लॉक है डी, वेनेडियम कौन सा है डी ब्लॉक, मैंगनीज कौन सा है डी ब्लॉक, फिर उसको हाई टेंपरेचर करा, ये सब कुछ हो गया, फिर डिहाइड्रोजनेशन कर, दो स्टेप का प्रोसेस है ये, बहुत ये इसको मैं स्टार्ट कर रहा हूं, देखो वेनेडियम V2O5, देखो अब तक क्लियर, एल्केन की समाप्ति होती है, ठीक है एल्केन समाप्त, और अभी बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ कहाँ से आएगा पेपर, वुड्स फिटिक, वुड्स फिटिक, डी कार्बोक्सिलेशन, सोडा लाइम, कोलबिस इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, नेक्स्ट आपका जो एल्केन की रिएक्शन है, हेलोजिनेशन आ सकता है, एरोमेटाइजेशन, इसके अलावा संभावना बहुत कम बनती है, और एक नहीं ये तो एल्केन, एल्केन पूरा हुआ अभी, तीन पार्ट है इसके, मेन एल्कीन है, एल्केन से दो नंबर, एल्कीन से तीन नंबर, और एरोमेटिक जो लास्ट में कर रहा हूं उससे दो नंबर, मान के चलो कितने देर होगी लेक्चर, कितने देर को होगा, 40 मिनट, अब नहीं होगा, बंद नहीं होता इसमें, वो तो जब होता है टाइम टाइम टाइम
कितने बजे क्लास शुरू होगी? इसको हेक्सेन छह कार्बन के, अरे छह कार्बन की सिंपल चेन है। हाँ अरे तो करवाए थे ना। अब पता क्या शुरू करने वाले हैं? अब वैसे भी तो रिकॉर्डिंग है बंद हो गई तो मैटर नहीं करता। अब एल्कीन शुरू करने वाले हैं ब्रो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एल्कीन से दो नंबर आएगा, एल्कीन से तीन, एल्कीन एल्काइन दोनों मिला के तीन नंबर आते हैं, लेकिन सेम सी रिएक्शन होती है। आपने क्या नोट नहीं करा था? रिएक्शंस प्रिपरेशन है ये अब यार लाइव चल रहा है। चलो फिर बता देता हूँ, थोड़ा सा लिख देता हूँ यार। शोशेबाजी हवाबाजी करता नहीं, तुम्हें पता ही यार। 98 के क्या ये है? 11 की पेंसिल है, 98 का ये है, 11 की पेंसिल है और 14 के एयरफोर्स है और 10 का इंश्योरेंस है। हाँ आ जाएगा ये। अरे बट इनकी क्वालिटी अच्छी है, इनका आप यूज करोगे ना जोड़ के किनारे आपको फील आएगी। ना है ऐसा भाई कुछ नहीं है। अरे तुम्हारे सब के लिए प्रिपरेशन करके चलो बताओ, टेंशन मत लो, इतना कुछ मैटर नहीं है। चलो चलो क्रोम भाई, अब इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ गई, वो ब्रिज रिएक्शन जिसको मैं स्टार मार्क करने वाला हूँ, जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रोम एल्काइन, फ्रोम एल्काइन, देखो भाई ध्यान से समझो मेरी बात, पहले दिक्कत समझो। अगर मैं इसमें सिंपल एच टू निकल ऐड कर रहा था तो ये ट्रिपल बॉन्ड डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो रहा था? सिंगल हो रहा था ना। हाइड्रोजन का कितनी बार एडिशन हो रहा था? दो। ये गलत भाई, मुझे तो एल्कीन बनाना है, एल्कीन थोड़ी बनाना है, अब टॉपिक बदल गया ना। अगर मुझे ये बनाना ही नहीं, इसका लिए गलत है जो मैंने करा था, वो सिंपल हाइड्रोजनेशन था। अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में रोकना है, तो एक H2 ऐड करना पड़ेगा, कंट्रोल करनी पड़ेगी रिएक्शन, क्योंकि कंट्रोल होती नहीं है, दिक्कत ही तो ये है। तो इसमें आता है बिर्च रिडक्शन। क्या था? बिर्च रिडक्शन। बिर्च रिडक्शन में कुछ तो ऐसा है जो रिएक्शन रुक गई है। क्या हुआ? देखो H2 तो ऐड होना ही होना है, लेकिन यहाँ पे निकल प्लेटिनम नहीं है, यहाँ पे क्या है? सोडियम लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया, ये आपको लिखना है, ठीक है? बिर्च सोडियम लिक्विड अमोनिया, याद रख लोगे? सोडियम लिक्विड अमोनिया, सोडियम लिक्विड अमोनिया, बिल्कुल। अब एक बात बताइए, अब तो कैसे भी कर सकते हो आप ट्रिपल बॉन्ड में, कैसा भी लूं भाई मैं ये ट्रिपल बॉन्ड बना दूं तो इसमें कोई नई बात थोड़ी है। मैं कहेगा दो मिनट में हो जाएगा, ये लिया मैंने रिएजेंट, बस ट्रिपल बॉन्ड को किस में कन्वर्ट करना है, कहां रोकना है? डबल डबल में, वेरी गुड, बिर्च रिडक्शन। अगला है जो तुम्हारा फेमस है, लिंडलार रिडक्शन, जो अभिषेक का फेमस है। लिंडलार रिडक्शन, लिंडलार रिडक्शन, बिल्कुल हो गया। अब देख भाई, मान लो ये है, इसको भी किसमें रोकना है? डबल। भाई इसकी क्या, देख H2 तो ऐड करे करेगा ना, PD बस। अच्छा बता, मैं सिंपल रटवाता हूँ, PD तो वही है निकल प्लेटिनम प्लेटिनम वाला, ठीक है? बस का मतलब क्या है? अच्छा बता, हाइड्रोजन को बस कितनी बार ऐड करना है? एक। अगर दो बार कर दिया तो क्या बन जाएगा? एल्केन, एल्केन बनाया, एल्किन, एल्किन। तो यहाँ लिखा है बस, देख बस कितनी बार? एक बार। प्लैटिनम, प्लैटिनम, ये कट कर देना। अरे बहुत होते हैं, पीडी से बताऊंगा बाद में, अभी ये कर लो। जल्दी जल्दी जल्दी। अरे देखो डीप लोग जो होता है, निको पढ़ो पंडित, ये होता है, समझ गए? यार फिर तुम गलती करा रहे हो, शायद मैं सो के नहीं आ रखा ना यार, आजकल सोना पड़ेगा मुझे यार। चलो यार देखो, निको पढ़ो
यार तुम पढ़ लो यार, पढ़ लो यार, यार पढ़ाने दो यार। मैं इसलिए तो कह रहा हूँ तुम खुद डिस्टर्बेंस करते हो, फिर कहते हो पढ़ाई नहीं हो रही कंसेप्चुअल एकेडमी पे, वही तो कह रहा हूँ। देखो ये बताओ पीडी, अरे आ जाओ चुप शांत से, पीडी बस H2 ऐड हो गया, HH ऐड हुआ, कितनी बार, एक बार करना है, लिनलार रिडक्शन, ट्रिपल बॉन्ड से यहाँ पे क्या बनी है, डबल बॉन्ड, ये तो होना ही था, क्लियर है यहाँ तक। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिडक्शन है, ये दोनों स्टार मार्क है, क्यों, वो नोट्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हाइट बोर्ड्स, हो गया, ओके, नहीं नहीं नहीं, नो नो, हैवी व्हाइट बोर्ड, वन आवर की हो जाएगी ना। चलो डिहाइड्रोजिनेशन, अल्कोहलिक रेच, ठीक। अच्छा बताओ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो OH माइनस बेस होता है, QH से क्या निकलेगा, OH माइनस ये बेस है, बेस को ऑर्गेनिक के अंदर, बेस को ONK या ऑर्गेनिक ऐसे लिखो, ऑर्गेनिक के अंदर हाइड्रोजन से प्यार है, के अंदर हाइड्रोजन से प्यार है, ठीक है, हाइड्रोजन से प्यार है, मतलब इस OH माइनस को सिर्फ हाइड्रोजन चाहिए, क्या चाहिए, हाइड्रोजन, और वो भी बीटा हाइड्रोजन, कैसा हाइड्रोजन, बीटा, अब बीटा हाइड्रोजन क्या, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है, अल्फा कार्बन के बगल वाला बीटा कार्बन, बीटा कार्बन पे लगने वाले हाइड्रोजन को बीटा हाइड्रोजन, ये बेस बीटा हाइड्रोजन को लव करता है, ऑर्गेनिक में याद कर रहा ना, बेस बीटा हाइड्रोजन को लव करता है, तो ये OH माइनस बीटा हाइड्रोजन के पास जाएगा, जाएगा भगा के ले गया, तो अगर H ने साथ छोड़ के चला गया, इस कार्बन का एक बॉन्ड टूटा, एक बॉन्ड टूटा तो एक बॉन्ड बनेगा एल्कोहलिक, इसमें थोड़ी दारू मिला रखे, इथेनॉल, इसका मतलब होता है इथेनॉल, एक बॉन्ड बनेगा, अगर कार्बन एक नया बॉन्ड बनाएगा तो एक बॉन्ड टूटेगा, फाइनली क्या हुआ बता सकता है, बीआर कहां गया, बाहर, बीआर कहां गया, बाहर, एचबी कहां गया, बाहर, एच को कौन छीन के ले गया, OH माइनस, सीआर सिंगल बॉन्ड था, अब क्या गया, डबल, क्या गया, डबल, कुछ ऐसी सीन अगर मैं बना दूं तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, जैसा ये है, लो भाई, ठीक है, लो भाई, ये डबल बॉन्ड, ये क्या है, एल्कीन, ये क्या है, एल्कीन, इस एल्कीन का नाम क्या है, इथीन, क्या है, इथीन, अरे दो कार्बन की इथीन ही तो होगी, ये भी वन ऑफ द मोस्ट, और पूरा मैकेनिज्म ही करवा दिया साथ के साथ, असल में तो ट्रिक ये होती है कि मान लो मुझे कुछ भी दे रखा है, ये दे रखा है, जैसे ये आपको ये दे रखा है, ठीक है, ये हैलाइड है, एस3 है, कुछ नहीं करना, डबल बॉन्ड बना दो, हैलाइड के बगल में क्या बना दो, डबल बॉन्ड, एल्कोहलिक क्यूएच हीट इसका ये हुआ, ठीक है, चीज बार बार नहीं निकल रही है, बार बार नहीं जा रही है, चीजें सिर्फ एलिमिनेट हो रही है, जहां चीजें एलिमिनेट होते हैं उसे उस रिएक्शन क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन, जहां चीजें सिर्फ ऐड होते हैं उसे क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन, जहां चीजें एक आए दूसरा जाए उसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसे इथाइन में इथाइन से हमने एल्कीन बनाया, एल्कीन बनाया, उसमें चीजें ऐड हो रही थी, तो वो क्या था, एडिशन रिएक्शन, ये क्या, एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बताऊं अभी एल्केन में, एल्केन में Cl2 ऐड कर रहे थे, Cl आ रहा था, H जा रहा था, क्या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बिल्कुल बिल्कुल, तो आपसे पूछ सकते हैं एडिशन रिएक्शन को, एग्जांपल बताइए, एलिमिनेशन बताऊंगा, यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ क्या बनेगा, अरे ये तो OH माइनस है, Br माइनस HBr बना सकता है, वो जरूरत नहीं है, इसके नंबर है, ठीक है, अगला सीन भाई इसका बताओ मिलजुल के, शान शोर नहीं, शोर नहीं, इसका बता दो मिलजुल के, और कोई बता सकता है तो, लो भाई ये आओ, ले भाई ये करो भाई, दिमाग लगाओ, अर्जुन आप बताओ, क्यों आप ही दिमाग लगा, क्यों आपने फिर जी में फीस भरोगे, अरे 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 5 में तो 10 गज की दुकान ले लेता ही हूँ भाई, कर ले आजा,
मजाक कर रहे हो आज जल्दी। अरे बताओ, गैस करो, गैस करो तुम भी सब। उतारने उतारने नहीं है ये, समझ भी आ रहे हैं ना? बस हाँ बस ठीक है, जो मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ ना बस वो कर लियो, पूरे नंबर आ जाएंगे। क्योंकि अबे टेंशन है, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तेरे कोई नंबर नहीं कटेंगे। अरे यार तो यार बिल्कुल यही तो कह रहा हूँ, बस यही जा रहा था दिमाग। यार तुम कर क्या रहे हो? अर्जुन ही बता रहा है, बेशक से 2 लाख भर रखे हो लेकिन बता रहा है भाई। मैं 5 लाख मैंने दे दे, फॉर्च्यूनर में लेना आऊंगा और छोड़ भी जाऊंगा घर। राजा देख देख भाई, भाई जरा ये बता, इधर डबल बॉन्ड और इधर डबल बॉन्ड। अब ये बता, ये तो तूने यूज कर लिया 10,000 वहां के, अब ये इससे अगले बता दे। नहीं अब अभी तक है ठीक है, नहीं आए। अरे कुछ नहीं है ऐसा यार, ये बताओ एक डबल बॉन्ड यहाँ है, यहाँ है यार। एक बताओ ये दोनों एल्कीन है, कौन सी स्टेबल कौन सी मेजर, ये है तो ये पता तुम्हें? एल्कीन की खास बात है, ये एल्कीन है ना ये फंक्शनल ग्रुप है। ऐसा बोला जाता है जिस एल्कीन पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या है ज्यादा, वो एल्कीन ज्यादा स्टेबल है, स्टेबिलिटी से ज्यादा। जैसे बताओ ये फंक्शनल ग्रुप है, एक बार इसको मिटा देता हूँ ठीक है। हाँ बिल्कुल वेरी गुड, ये फंक्शनल ग्रुप है। बताओ अगर अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन, राहुल अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन, कितने हाइड्रोजन 3, इधर भी 3, टोटल कितने 6। फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला अल्फा कार्बन कितने हाइड्रोजन 2 अल्फा हाइड्रोजन, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है वो अच्छी स्टेबल एल्कीन है। बताओ किस पे 6 वाली स्टेबल है। इसका मतलब दोस्तों ये मेजर है ये माइनर है, और जो आपकी मेजर एल्कीन होती है ना जिसपे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है उसे बोलते हैं सेट जेफ। क्या बोलते हैं? सेट जेफ, ठीक है सेट जेफ। और जो आपकी अनस्टेबल होते हैं उसे बोलते हैं होफमैन, उसे बोलते हैं होफमैन। अच्छा ऐसे क्या होता है, स्टेबल स्टेबल वाली एल्कीन को बोलते हैं सेट जेफ और अनस्टेबल वाली को होफमैन। ये रूल भी लिख रखा है, नोट करो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वाह वाह आपके नोट्स में क्या नाम दिया सर? नाम सेट जेफ, एस ए वाई, जैसे से का मतलब क्या होता है हिंदी में, क्या है ना बस एस ए वाई टी जेड ई डबल एफ है होफमैन। ओके ओके जो चल रहा है चलने दो, अभी अभी आधे घंटे में खत्म हो जाएगा चैप्टर, ज्यादा टेंशन ले ली नहीं है भाई। जो स्टार मार्क कर रहा हूँ वो जरूर कर लेना, ऐसा भी इसको भी कर दिया। अच्छा बताओ बनाओ कंप्लीटेड, ओके चलो ठीक है हो गया।